धर्म और आस्था के आगे भले ही हर तर्क लोगों की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती हो, लेकिन आस्था के नाम पर जब लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने लग जाए तो इसे आप क्या कहिएगा। ऐसी ही तस्वीर आई है झारखंड के साहिबगंज से, जहां सपने में आई माँ गंगा की बात सुनकर जल समाधि लेने पहुंच गई एक महिला। गंगा के तट पर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन आज भी कुछ लोग अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में उलझे हुए हैं। साहिबगंज से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एक महिला सपने को सच मानकर अपनी जान से खिलवाड़ करने पहुंच गई गंगा नदी के किनारे। दरअसल एक महिला के सपने में माँ गंगा आई और माँ गंगा ने कहा कि मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। महिला को लगा जो सपने में हो रहा है वो बिल्कुल सच है। फिर क्या था, महिला गंगा में समाधि लेने पहुंच गई और आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोग भजन कीर्तन करने लगे। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकाला, साथ ही उसे थाना ले गई। इस दौरान पुलिस को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। ग्रामीण लोग बहुत जुटे हुए थे ढोल बाजा के साथ। कोविड 2019 के तहत जो है इसको जो है आपस में भीड़ नहीं करना, उसको देखते हुए इसको वहाँ से हम लोग उठा करके बनाए। दूसरी बात यह है कि जो महिला जो है उसका भी ख्याल रखना था कि जो है पानी इतना दिन 24 घंटा रहेगा तो उसके साथ किसी अन्य घटना नहीं हो जाए। इसी क्रम में हम लोग वहाँ से उठा खाना परेशान लाए। जब धर्म की आड़ में अंधविश्वास पनपता है तो वो खतरनाक होता है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी फेल नजर आते हैं। आज 21वीं सदी में भी आस्था के नाम पर अंधविश्वास जारी है। समाचार प्लस के लिए साहिबगंज से प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। खबर वही जो हमने कही।